हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? लास्ट वीडियो में हमने इक्विटी शेयर और उसके फीचर्स देखे, आज हम प्रेफरेंस शेयर समझने वाले हैं, जो कि एक कैपिटल का ही प्रकार होता है। जब भी बिजनेस किया जाता है तो कंपनी ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल में फंड जुटाती है। जिसको बिजनेस करना होता है वो अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस में से कुछ पैसा इक्विटी शेयर्स में लाया जाता है तो कुछ पैसा प्रिफरेंस शेयर्स में भी लाया जाता है। इक्विटी शेयर्स आपने देखा कि 100% रिस्क के साथ लाए जाते हैं, जिसके ऊपर कोई भी फिक्स रिटर्न की गारंटी नहीं की जाती, ना कि वो रीपेमेंट भी किए जाते हैं, यानी वो परमानेंट कैपिटल होता है। अब हम प्रिफरेंस शेयर समझते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, प्रिफरेंशियल शेयर्स, फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रिफरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी, इससे पहले इक्विटी शेयर से पहले, तो इनको दो राइट सबसे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रिफरेंस शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो आप उनके प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर बन जाते। कौन बन जाते हैं? आप प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर। और ये प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर को दो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स दिए जाते हैं कंपनी द्वारा, तो वो क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। A preferential right as to payment of dividend during the lifetime of company. Before any dividend paid to equity shareholder, firstly paid to preference shareholder during the lifetime of company. यानी equity shareholder को dividend देने से पहले company सबसे पहले preference shareholder को dividend paid करेगी। ऐसा lifetime होगा। जब भी company का financial year close होंगे, प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाएगा, तो सबसे पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड दिया जाएगा पहले, सबसे पहले। दूसरी चीज, अब प्रिफरेंशियल्स राइट, प्रिफरेंशियल यानी फर्स्ट राइट, प्रिफरेंशियल राइट एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। और जब भी कभी कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी, तो सबसे पहले पैसा प्रिफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न किया जाएगा बिफोर एनी फंड रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी आप समझ पा रहे कि भले ही पैसे सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर से इन्वेस्ट कराए जाते हैं किसी भी कंपनी में, लेकिन जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर है उनका पैसा सबसे पहले रिटर्न किया जाता है, उनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। तो आप मीनिंग से ही समझ गए होंगे प्रिफरेंस शेयर यानी क्या। Those have first priority in getting dividend and repayment of capital at a first priority, it is called preference shares. यानी preference shares में जो भी पैसे invest करता है, उनका capital कैसा रहता है? Safe capital रहता है, उनको risk बहुत कम उठानी पड़ती है। और ऐसे investor जिनको कम risk के साथ अपना पैसा grow करना है, invest करते हैं preference shares में। यानी अगर आपको भी preference shares में investment करनी है, तो ये कैसी हो जाती है? फिक्स सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट से मिलता है और वो प्री डिटरमाइंड होता है। तो यही हम समझ रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब प्रेफरेंस शेयर्स में आपने अगर पैसे इन्वेस्ट कर दिए किसी कंपनी में, यानी कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर्स में कैपिटल कलेक्ट कर लिया, तो उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ेगा। इसको प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को, जैसा कि इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है, तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को कैसे मिलेगा? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जब तक आपके कंपनी में प्रिफरेंस शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है, आपको हर साल उन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा। नो वोटिंग राइट्स। लेकिन प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते, यानी कि उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होने का कोई राइट्स नहीं है। जैसा कि इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, कि इक्विटी शेयर होल्डर को आप क्या कराते हैं? वोटिंग राइट्स भी देते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट प्रिफरेंस शेयर्स होल्डर को वोटिंग पावर भी नहीं है और ना वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सेफ कैपिटल है और उनको फिक्स रेट से अगर डिविडेंड मिल रहा है, तो उनको वोटिंग राइट्स के पावर देना बिल्कुल बनता ही नहीं है। ये कंपनी के को ओनर्स बन जाते हैं। प्रिफरेंस शेयर होल्डर आर अ को ओनर ऑफ कंपनी। जैसे रियल ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। 100% रिस्क कौन उठाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। प्रिफरेंस शेयर जो है वो सेफ कैपिटल है, यानी इनका को ओनर कहा जाता है। हालांकि ये शेयर होल्डर है, शेयर्स क्या है? कंपनी की ओन कैपिटल है, ओनरशिप कैपिटल है। तो प्रिफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर हो, ओनर तो है, बट रियल ओनर कौन कहे जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। यानी प्रिफरेंस शेयर्स कौन हो गए? को ओनर ऑफ कंपनी। ये भी शेयर होल्डर है तो को ओनर ही कहलाते हैं। इट इज अ सेफ कैपिटल।
ये सेफ कैपिटल क्यों है? क्योंकि ये रिडीमेबल कैपिटल है, इनको कैपिटल रिटर्न किया जाता है जब भी उनकी मैच्योरिटी हो जाती है कंप्लीट। यानी प्रिफरेंशियल्स मतलब आप समझ चुके होंगे कि प्रिफरेंशियल आर दोस शेयर व्हिच आर नॉट इक्विटी शेयर। अगर ये इक्विटी शेयर्स नहीं है तो डेफिनेटली वो हमारे कौन से है? प्रिफरेंशियल्स है। और प्रिफरेंशियल्स हमारे कैसे होते हैं? इनको दो इंपॉर्टेंट राइट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला, दे गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, वो भी सबसे पहले। और जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो सबसे पहले पैसे इन्हीं को रिटर्न किए जाते हैं बिफोर एनी कैपिटल रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी आप समझ गए होंगे कि प्रिफरेंशियल्स क्या है। ये एक सेफ कैपिटल है, ये मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कलेक्ट किया जाता है कंपनियों द्वारा। और जिन भी इन्वेस्टर्स को इक्विटी शेयर्स में रिस्क नहीं लेनी है वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसमें कर सकते हैं? प्रिफरेंस शेयर्स में कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को प्रिफरेंस शेयर्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे।